नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट के बारे में। मनी कंट्रोल की वेबसाइट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इस पे आपको स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। एक स्टॉक के बारे में आप जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सारी रिपोर्ट आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट में मिल जाएंगी। ये एक रेडीमेड वेबसाइट है और हम आपको पहले बता दें ये कोई हमारा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हम आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट किस प्रकार आप यूज कर सकते हैं ये सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में मनी कंट्रोल टाइप करना है। तो मनी कंट्रोल देख सकते हैं मेरा पहले से टाइप किया हुआ है क्योंकि हम बार बार इसको सर्च करते रहते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको इस तरह का लिंक खुलेगा, देख सकते हैं moneycontrol.com। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है मनी कंट्रोल वेबसाइट का। तो सबसे पहले यहाँ टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी या गुजराती। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी, गुजराती, ये सारे ऑप्शंस हैं। आप जिसमें चाहते हैं यूज करना मनी कंट्रोल वेबसाइट को उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ऐप का व्यू है, ऐप इसका डाउनलोड आप कर सकते हैं। ऐप को कैसे यूज करें इसका हम वीडियो का लिंक जो ऊपर आई बटन पर दे देंगे, वहाँ से आप ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं आपको वहाँ से देख सकते हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों पर सेम ही चीज है, बस फॉर्मेट अलग है। ऐप पर आपको अलग फॉर्मेट में मिलता है और वेबसाइट पे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में। उसके बाद यहां पर आप जो भी न्यूज है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर आपको होम, यहां पर न्यूज, कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज, मार्केट के बारे में न्यूज, म्यूचुअल फंड के बारे में न्यूज, कमोडिटी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, और यहां पर जो भी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि मनी कंट्रोल का अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहां जाकर के आप वीडियो का यहां लिंक होगा वहां देख सकते हैं। पॉडकास्ट, पर्सनल फाइनेंस, पोर्टफोलियो, आप यहां पर वर्चुअल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं या अपना ओरिजिनल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, यहां से ट्रैक कर सकते हैं, यहां से पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हमने जो ऐप यूज करना है उसमें बताया है कि कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। यहां पर फॉरम है, आप फॉरम पर जाकर के डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स है और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट के जो अलग अलग लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके व्यू को देख सकते हैं। स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, उनका व्यू अपना अपना। फिर यहां से इसका प्रो वर्जन भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे यहां ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में आप कैसे यहां पर स्टॉक के सारे फंडामेंटल एनालिसिस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सर्च कोर्स, कोई भी कोर्स आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, न्यूज, म्यूचुअल फंड, एनएवी, जो भी है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम स्टॉक को सर्च करते हैं। तो स्टॉक का नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो स्टॉक हम ले लेते हैं HDFC बैंक। HDFC जैसे लिखे यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक हमारा आ गया। यहाँ पर आप ये इस पर कर्सर लाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, HDFC बैंक आपका यहाँ पर सर्च हो गया। जैसे HDFC खुला तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आना है, इसके बारे में सारा डिटेल आपको इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ नाम हो गया, फिर यहाँ पर BSE, और BSE पर इस नंबर से रजिस्टर्ड है, NSE पर इस नेम से रजिस्टर्ड है, देख सकते हैं। सीरीज कौन सा है, इक्विटी है, ISIN नंबर इतना है, स्टॉक्स देख सकते हैं बैंक्स प्राइवेट सेक्टर का, तो यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो सबसे पहले कोर्स है, ये सारा कोर्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि नीचे आएंगे तो सारा कोर्स आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है HDFC बैंक के बारे में। करेंट मार्केट प्राइस BSE पे देख सकते हैं 903.80 रुपया है, वही हमारा NSE पे 903.65 रुपया है। और मैं यहाँ से प्रीवियस क्लोज जो BSE पे था, ओपन जो प्राइस हुआ, बिड प्राइस अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो बिड प्राइस और ऑफर प्राइस आपको देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, फिर बीटा आपका मिल जाएगा यहाँ पर देखने। यहाँ स्टोरेज हाई लो, उसके बाद यहाँ 52 वीक हाई लो, यहाँ पर लोअर प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड, सेम चीज़ यहाँ पर आपको NSE के साइट पर देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे जो है जैसे जैसे जाएंगे तो चार्ट देखने मिलेगा, हर चीज़ देखने मिलेगा। तो आप नीचे बिना गए भी यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे चार्ट देखना है या तो आप इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए वेबसाइट को, यहाँ से जो हमारा है आप इसको स्क्रॉल करते जाइए, नीचे जाइए तो ये सारा चीज़ यहाँ जो जितना ऑप्शन देख रहे हैं, चार्ट, टेक्निकल्स, वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट एक्शन, न्यूज, फाइनेंशियल, एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, पीज कंपैरिजन, कंपनी इन्फॉर्मेशन, और जो डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स है यूजर का कंपनी के बारे में वो देख सकते हैं।
हैं। यहाँ पर कोर्ट्स में आप देख सकते हैं टू डेज लो, 50 वीक हाई लो, सर्किट वॉल्यूमेट्रिक एवरेज प्राइस, फ्यूचर ऑप्शन कोड क्या है, हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, प्री ओपनिंग सेशन प्राइस क्या है, ये सारा क्लिक करके यहाँ से जान सकते हैं। जैसे प्री ओपनिंग प्राइस पर क्लिक किए तो प्री ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं, यहाँ से NSE पे BSE पे दोनों प्री ओपनिंग प्राइस यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर कोर्स पे जैसे है तो कोर्स का नीचे ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। कोर्स में इतना सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल प्राइस पर क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल प्राइस मिल जाएगा यहाँ से। फीचर ऑप्शन कोर्स पर क्लिक करेंगे तो फीचर ऑप्शन का यहाँ पर देख सकते हैं सारा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ से आप फीचर में जो भी एक्सपायरी है मतलब एक्सपायरी यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 28 मई, 25 जून, 30 जून। तो यहाँ से आपको ये जो कोर्स है, कोर्स में ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गया, टू डेज हाई लो, 52 वीक हाई लो, सर्किट्स, वॉल्यूमेट्रिक एवरेज प्राइस, फ्यूचर ऑप्शन कोर्स, हिस्टोरिकल प्राइस, प्री ओपनिंग सेशन प्राइस। तो कोर्स में ये सारा चीज़ यहाँ पढ़ने मिल जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आता है चार्ट। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं इसका चार्ट आ गया। अब इस चार्ट में भी देख सकते हैं एडवांस, अल्टरनेटिव चार्ट, बेसिक चार्ट, टेक्निकल चार्ट, तीन तरह का चार्ट है। वो यहाँ पर भी मिलेगा ऑप्शन, देख सकते हैं चार्ट के जस्ट नीचे तीनों ऑप्शन, और यहाँ पर भी तीनों ऑप्शन। जैसे एडवांस इंटरेक्टिव चार्ट देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये नया विंडो में खुल रहा है आपका, ओपन हो रहा है। फिर टेक्निकल चार्ट देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नया विंडो ओपन होगा टेक्निकल चार्ट का। तो उसी तरह से आप ये तीनों चार्ट यहाँ से देख सकते हैं। अब ये चार्ट आपको वन डे का देखना है तो वन डे पर क्लिक कर दीजिएगा, वन वीक का चार्ट देखना है तो वन वीक पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है तो इसलिए धीरे धीरे चार्ट ये ओपन हो रहा है, ये आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है। वन मंथ का चार्ट देखना, वन मंथ पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ वन मंथ का चार्ट। इस तरह सिक्स मंथ का देखना है तो सिक्स मंथ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ ऑल टाइम का चार्ट देखना है तो ऑल टाइम पर क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको 20 साल का चार्ट दिखाएगा, मतलब 2000 ईस्वी तक का चार्ट दिखाता है। कहीं पे भी आप देखते हैं तो उससे पहले का चार्ट आपको नहीं देखने मिलेगा। तो वैसा कोई वेबसाइट हो जो पहले का चार्ट दिखाता हो तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट पर आपको 2000 ईस्वी तक का ही चार्ट दिखाई देगा, देख सकते हैं 2000 ईस्वी तक। तो यहाँ से आप सारा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा है अपने चार्ट देख लिया, आप टेक्निकल, यहाँ टेक्निकल पर क्लिक कीजिए। टेक्निकल पर आपको तीन चीज़ मिलता है, मूविंग एवरेज, पिवोट टेबल और इंडिकेटर। तो यहाँ पर देखते हैं टेक्निकल सबसे पहले की जो इंडिकेटर है, मतलब टेक्निकल जो रेटिंग है, टेक्निकल रेटिंग तीन होता है, न्यूट्रल, बेयरिश और बुलिश। तो इसका जो टेक्निकल रेटिंग है अभी वो बेयरिश है, कि मतलब स्टॉक में जो है ओवरऑल गिरावट आएगा। मतलब एक जो हमारा देख रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आप 2-4-10 दिन का देखिएगा तो एक तरह से बोल रहा है कि ये बेयरिश होगा, मतलब गिरावट देखने मिलेगा। वीकली देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं, तो सारा देख सकते हैं बेयरिश है, सारा एनालिसिस क्या कर रहा है, बेयरिश देखते हैं। वीकली देखते हैं तो वेरी बेयरिश बोल रहा है। तो यहाँ सारा मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर देख सकते हैं, न्यूट्रल है, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर जो बेयरिश है। तो यहाँ तीनों तरह का जो टेक्निकल्स है वो देख सकते हैं। उसके बाद आता है वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन, मतलब इस यहाँ पर आप पी रेशियो, पी बी रेशियो, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड किस तरह से है, इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, पी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड कितना परसेंट दिया है, मार्केट लॉट क्या है, पी रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर EPS कितना है, PC रेशियो कितना है। तो यहाँ से देख सकते हैं बुक वैल्यू डिलीवरी कितना है, फेस वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। तो सारा वैल्यूएशन आप कंपनी का देख सकते हैं और उसे दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना हो तो यहाँ पीर कंपैरिजन में जाएंगे, इसको देख लीजिए, फिर कंपैरिजन जाके दूसरे से कंपैरिजन कर लेंगे। मतलब एक वेबसाइट पर आपको अप्रॉक्स सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है कॉर्प एक्शन, कॉर्प एक्शन मतलब कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब जो डिविडेंड देता है, बोनस देता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर देखने मिल जाएगा। डिविडेंड कब कब दिया है यहाँ से देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग कब कब हुआ है वो सारा डेट यहाँ देखने मिल गया। अगर आप इससे ज़्यादा डेट मतलब 2019 ईस्वी से पहले का भी देखना चाहते हैं तो व्यू मोड पर क्लिक करेंगे। डिविडेंड कब कब दिया है पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो व्यू मोड पर क्लिक कीजिएगा, तो सारा डिविडेंड आप जान जाएगा 2016 तक का यहाँ दिखा रहा है, और पीछे का जाना है व्यू मोड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ बोनस पर क्लिक करेंगे तो बोनस कब कब दिया है, तो यह देख सकते हैं कोई रिकॉर्ड नहीं है बोनस का। अगर मतलब और पीछे का डेट का बारे में जानना चाहते हैं तो व्यू मोड पे क्लिक करना है। स्प्लिट कब हुआ है देख सकते हैं, 2019 में 2011 ईस्वी में दो बार स्टॉक का स्प्लिट हुआ है। उसके बाद राइट्स पे क्लिक करेंगे, राइट इश्यू कब कब लाया है यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। फिर AGM और EGM कब कब हुआ है कंपनी का, इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं।
तो ये हो गया कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन में कितने चीज मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नीचे दिखा देगा उसमें क्या चीज मिलेगा। बोर्ड मीटिंग देखने, एजीएम, ईजीएम मिलेगा, डिविडेंड देखने मिलेगा, बोनस, स्प्लिट और राइट्स इश्यू, ये इतना ऑप्शन आपको कॉर्पोरेट एक्शन में देखने मिलेगा। फिर न्यूज है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा इस स्टॉक से रिलेटेड सारा देखने मिल जाएगा इसमें। देखते हैं ऑल न्यूज़ या अनाउंसमेंट टाइप का न्यूज़ देखना चाहते हैं, या बिजनेस न्यूज़ देखना चाहते हैं, या अर्निंग न्यूज़ देखना चाहते हैं, या मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट इंटरव्यू पर क्लिक करेंगे तो वो नया विंडो में आपको ओपन होगा। देख सकते हैं यहाँ पर सारा मैनेजमेंट का इंटरव्यू जो होगा वो इसके HDFC बैंक के वो आपको देखने मिल जाएगा। फिर कोई एडवाइस मतलब एक्सपर्ट का एडवाइस आप चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में, एडवाइस पर क्लिक करेंगे। रिसर्च रिपोर्ट मतलब जो मनी कंट्रोल का टीम है उसका क्या रिसर्च रिपोर्ट है स्टॉक के बारे में वो जानना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। नया विंडो में ओपन होगा ये, यहाँ देख सकते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से ये हमारा खुल चुका है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज का क्या रहा है, क्या लेवल्स है, क्या टारगेट है। फिर सेक्टर को देखना चाहते हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर को, इस पे सेक्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन चलते हैं फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल में आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पर बैलेंस शीट देखने, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, 9 मंथ रिजल्ट देख सकते हैं, कैश फ्लो देखने मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज देखने, कैपिटल स्ट्रक्चर देखने, फाइनेंशियल ग्राफ्स देखने, ये सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी हमारा किस प्रकार ग्रोथ किया है, ये आप देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ से कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस प्रकार हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ किस प्रकार हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से कंपनी का जो है ये सेल्स ग्रोथ है, लगातार कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है। उसके बाद यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, फिर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, यहाँ से लगातार इनक्रीज हुआ है, बस सिर्फ ये जो हमारा मार्च क्वार्टर है इसमें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, नहीं तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से ग्रो हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट देखना हो तो बैलेंस शीट पर क्लिक कर सकते हैं, या आपको ये सेल्स ग्रोथ अर्ली बेसिस पे देखना हो तो एनुअल पे क्लिक कर लेंगे तो ये अर्ली बेसिस पे आपको दिखाएगा, देख सकते हैं अब ये अर्ली बेसिस हो गया 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद बैलेंस शीट देखना हो, कैश फ्लो देखना हो, रेशियो देखना हो, जिस पे जिसको देखना हो वहाँ से यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, चाहे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है। तो फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक, जो अगला ऑप्शन है हम एनुअल रिपोर्ट पर क्लिक किए, एनुअल रिपोर्ट पर जैसे क्लिक किए एक नया विंडो में ओपन हुआ। तो चलिए हम अगले विंडो में देखते हैं ये जो हमारा ओपन हुआ एनुअल रिपोर्ट, तो नीचे चलते हैं एनुअल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं डियर स्टॉक होल्डर उनके बारे में जो हमारा यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट है इसमें सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या क्या कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, आगे आगे पर कंपनी का क्या ग्रोथ आगे होने वाला है, कंपनी का गोल्स क्या है, मिशन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ देख सकते हैं, डिविडेंड के बारे में कंपनी का क्या रहा है, सारा चीज़ आप यहाँ से जान सकते हैं एनुअल रिपोर्ट में। तो आपको एनुअल रिपोर्ट अवश्य पढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद आता है शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पर क्लिक करके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जान सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा आ गया, प्रमोटर्स के पास 26% है, प्लेस शेयर 0 है, FIs के पास कितना है, FPIs के पास कितना है मतलब जो विदेशी इन्वेस्टर है उसके पास कितना है, फिर डोमेस्टिक देसी जो हमारा इन्वेस्टर है मतलब हमारे देश के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसके पास कितना है, उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास उसमें से कितना है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना है, म्यूचुअल फंड के पास कितना है, और जो अदर DIs है उसके पास कितना है, और जो हम लोग पब्लिक शेयर होल्डर हैं, जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, पब्लिक शेयर होल्डर हैं, उनके पास कितना परसेंट होल्डिंग है इस स्टॉक का, ये सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ देखने मिल जाएगा। उसके बाद आता है पीर कंपैरिजन, पीर कंपैरिजन में HDFC बैंक और अन्य जो प्राइवेट बैंक है उसके साथ कंपैरिजन है, यहाँ पर देख सकते हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जो 5 टॉप कंपनियाँ हैं प्राइवेट बैंकिंग का उसके साथ इसका कंपैरिजन देख सकते हैं कि लास्ट प्राइस इसका क्या है, परसेंटेज चेंज इसमें कितना हुआ है, इसका 52 वीक हाई क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी कंपनी ज़्यादा आगे है, यहाँ पर सेल्स क्या है क्वार्टर का उससे कंपेयर कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हैं, और यहाँ पर प्राइस सेल्स नेट सेल्स सारा आपको देखने मिल गया। तो यहाँ से सारा कंपैरिजन आप कर सकते हैं, अगर और बैंकों के साथ करना चाहते हैं मतलब जितने भी बैंक हैं तो व्यू मोड पे आप क्लिक करेंगे सारे जो बैंक होंगे प्राइवेट सेक्टर के वो आपको देखने मिल जाएंगे। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप कंपनी के बारे में सारा चीज़ जान सकते हैं कि ऑफिस रजिस्टर कहाँ है, रजिस्ट्रार इसका कौन है, मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं, और कंपनी कहाँ कहाँ लिस्टेड है, देखते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, BSE 100, BSE 200, S&P, CNX 500 यहाँ पे भी लिस्टेड है, CNX मिड कैप यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से कंपनी के बारे में ले सकते हैं।
वो है कंपनी का इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप क्लिक करते हैं मैनेजमेंट या हिस्ट्री जानना चाहते हैं कंपनी का तो यहाँ से क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कंपनी का तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, लोकेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पर, कंपनी के बारे में पूरा लिस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जो भी ऑप्शन, उसका जो फिर उसमें कौन कौन से मतलब आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा वो सारा ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। फिर आप कंपनी के बारे में मतलब अभी जो करंट स्टेटस है, क्या डिफरेंट डिफरेंट आदमी का डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर का राय है वो यहाँ से जान सकते हैं फॉरम पे क्लिक करके या कमेंट्स पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कमेंट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ फॉरम पे लिख आएगा, तो यहाँ से आप सारा जो है फॉरम पर डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति का क्या राय है वो जान सकते हैं। यहाँ व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं इस फॉरम से उनका राय आप यहाँ से जान सकते हैं। या यहाँ पर देख लीजिए एक्शन इन HDFC बैंक, जो जो एक्शन हुआ है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, देख सकते हैं इतना का ब्लॉक डील, बल्क डील, जो भी डील है यहाँ पर सब यहाँ पर साइड में देखने मिल जाएगा। तो समझिए आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको इस वेबसाइट को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। इसलिए मनी कंट्रोल जो वेबसाइट है यह बहुत ही बहुत फेमस है जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट को यूज करना नहीं जानते थे, तो निश्चित है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट पर किसी भी स्टॉक के बारे में सीख सकते हैं सर्च करना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।